लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी ने प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव किया है। बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। जिन राज्यों को नए अध्यक्ष मिले हैं उनमें पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को झारखंड का अध्यक्ष बनाया है, जबकि सुनील जाखड़ को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जी किशन रेड्डी को तेलंगाना और पी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे खास नाम सुनील जाखड़ का माना जा रहा है। बीजेपी सुनील जाखड़ को पंजाब में अध्यक्ष बनाया है। रणनीति साफ है कि बीजेपी पंजाब में किसी हिंदू चेहरे को आगे करना चाहती थी। इसी कड़ी में सुनील जाखड़ को बीजेपी ने पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। वहीं जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का अकाली दल के साथ दोबारा गठबंधन हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से हिंदू सिख भाईचारे वाली राजनीति पंजाब में देखने को मिल सकती है। वहीं चर्चा ये भी है कि गुरदासपुर सीट से 2024 में सुनील जाखड़ को बीजेपी टिकट दे सकती है, क्योंकि अभिनेता सन्नी देओल के खिलाफ माहौल सही नहीं है। उनकी कमी को सुनील जाखड़ के रूप में पूरा किया जा सकता है। सुनील जाखड़ पंजाब की अबोहर सीट से विधायक और गुरदासपुर से सांसद रहे हैं। पंजाब में नेता विपक्ष रह चुके सुनील जाखड़ के पिता बलराम सिंह जाखड़ कांग्रेस का एक जाना माना चेहरा रहे हैं।